नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी आपका स्वागत करता हूं पिग फार्मिंग के गहरे राज के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में आपको बताया जाए कि साल के जो तीन मुख्य मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मियां और बरसात, इन तीनों मौसमों में हम पिग फार्मिंग की सेफ्टी किस प्रकार से करें, तो चलिए शुरू करते हैं। राजू जी, मौसम की मार को आप किस प्रकार से जो है बयां करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे कि हम अभी नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, 8 महीने गर्मी, 2-2.5 महीने सर्दी, 1 महीना सावन, तो उन मौसमों को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं और ज़्यादातर आपको नुकसान किस मौसम में हो सकता है, और उसको आप तीनों मौसमों को आप शुरुआत हम करेंगे सर्दी से, जो भी सीज़न चल रहा है इसको आप कैसे हैंडल करते हैं अपने काम पर? देखो जी, पिक के लिए ट्रेनिंग में जहाँ भी लोग या सब बोलते हैं कि 25 डिग्री नॉर्मल एनवायरनमेंट आइडियल टेम्परेचर है, बाकी हम इंडिया के अंदर जो ज़्यादा ये मतलब मॉडर्न पिग फार्म यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक है, 25-23 मैनेज कर सकते हैं, बाकी एक छोटे लेवल से कोई बंदा अगर स्टार्ट करता है 10-20-50 फीमेलों से, तो वो सर्दी के अंदर उनको अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं देगा सर्दी में तो उसका भी नुकसान होगा, गर्मी ज़्यादा गर्मी होगी उसका भी नुकसान होगा, बाकी जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर बारिश होगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु जो ह्यूमिडिटी वाला जो टाइम होता है ना, जिस टाइम में एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम में जो आपके समझ लीजिए 60-70 केजी से ऊपर के पिग्स हैं उनके लिए बहुत ख़राब है वो, है ना। तो उसमें अभी हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है कि ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सर्दी गर्मी को हम प्रयास कर सकते हैं कम करने के लिए। वो प्रयासों के बारे में बताएं, आप सर्दी को कैसे हैंडल करते हैं? सर्दी के लिए जैसे कि आपके फार्म का साइज क्या है? अभी मेरे फार्म का 40x ये मान लो कि 90 फीट है। 40x, ठीक है। इसमें आप अभी रिसेंटली टेम्परेचर है 20.8 का। जी, 20.8। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। हाँ, भारत का कम होगा। हाँ, इतना ही होगा, 7-8 डिग्री है बाहर, इतना होगा। अभी अंदर आपने 21 डिग्री ऑलमोस्ट मेंटेन कर रखा है। बिल्कुल। कैसे किया? अच्छा देखो जी, एक तो अपना जो फार्म है वो चारों साइड से आप क्लोज कर दीजिए। बंद? अच्छा, बंद। बंद का मतलब ये नहीं है कि आप गिफ्ट पैक कर दो, है ना। हाँ हाँ, क्योंकि पिग्स का जो मलमूत्र निकलता है उसके अंदर से अमोनिया निकलती है, और अमोनिया अगर आपके फार्म में स्टोर रहेगी तो वो आपके जानवरों को नुकसान करेगी, बहुत नुकसान करेगी, मतलब वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी जितना है कि हम इसको अगर बिल्कुल गिफ्ट पैक कर रहे हैं तो अगर आप एग्जस्ट फैन प्रोवाइड कर सकते हैं तो किसी भी एंड पे 1-2 छोटे एग्जस्ट फैन लगा दीजिए, ताकि क्योंकि जो गर्मी होती है ऊपर रहती है, ऊपर साइड से वो जो अमोनिया है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद में जब स्टार्टिंग सर्दी हुई, आपने तिरपाल नीचे डाल दिए, टेम्परेचर मेंटेन हो गया। अच्छा, हमने ये टेम्परेचर देखने के लिए लगा रखा है भाई हमारा कितना टेम्परेचर है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाए, हीटर लगाओगे बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, हीटर तो कॉस्टली नहीं पड़ेंगे परंतु उनकी जो लाइट कंजप्शन है, बट फिर भी आप लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ, वो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना आपके फार्म पर नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप उसकी कॉस्टिंग को कैसे कम करते हैं? उसकी कॉस्टिंग को कम करने के लिए अपने देसी तरीके के, अभी आप अगर देखना चाहो तो पीछे भट्ठी रखी हुई है ना, ये भट्ठी जो अपना लकड़ी का बुरादा होता है, जो आरा मशीन चलती हैं, है ना, उनका बुरादा आपको 2-3 रुपये या कहीं पे ज़्यादा फार्म्स हैं पोल्ट्री के या पिग के, वहाँ पे 4-5 रुपये केजी, है ना। 25 केजी इसके अंदर आता है, एक बार 25 केजी आप इसके अंदर दबा के डाल दीजिए और एक बार इसके जला दीजिए, 8-10 घंटे तक ये बहुत बढ़िया हीट देगी, सस्ता का सस्ता। 25 केजी आपने डाला, 2 रुपये किलो मिल गया, 50 रुपये का हो गया एक भट्ठी का, और 50 रुपये में पूरी रात नो टेंशन आपको बढ़िया वो मिलेगी। एक एक आपके एक भट्टी काफ़ी है, 2 भट्टियाँ? नहीं देखो, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपका फार्म क्लोज है और आपका ये मान लीजिए मेरा ये 90x40 है, इसके अंदर अगर अब टेम्परेचर की बात करूँ तो थोड़ी और उलझ जाएगी, आपकी जो ब्रीडिंग स्टॉक है जहाँ पे आपकी मादाएँ डिलीवर करती हैं वहाँ का टेम्परेचर आपका ज़्यादा मायने रखता है, ऑब्वियसली, ठीक रखता है ना, वो बहुत सेंसिटिव है। हाँ, और जो आपके फैटनर्स हैं वहाँ 19-20 कम भी हो जाए तो चल जाए, है ना। तो अगर आपका एक ही सेड है उसी में फैटनर भी हैं, डिलीवरी भी ले रहे हो, तो ये मान लीजिए कि आपको 90x और
40 के फार्म में दो भट्टी भी काम चला सकती हैं। अगर टेम्परेचर 1-2-3 डिग्री तक चला गया बाहर का, तो तीन भट्टी आपको लगानी पड़ सकती हैं। परंतु जो ये आप खर्चा कर रहे हो, चाहे हीटर लगाओ चाहे आप भट्टी लगाओ, वो आपका आपको दिखाई नहीं देगा, आपको जेब से जाएगा भट्टी का भाई इतना बुरा दा रहा है। परंतु आपके एनिमल्स आपको अगर सर्दी की मार लगी होगी तो वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि हाँ हट्टे कट्टे मिलेंगे, तंदुरुस्त मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि सर्दियों में मुख्य समस्याएं सर्दी, जुखाम, खांसी, निमोनिया, ये आपके फार्म पर आप नहीं होने देते? बिल्कुल नहीं होने देते। बाकी ये भी नहीं कहूँगा, अभी हम भी अंडर ट्रेनिंग समझ लीजिए, छोटी मोटी अभी कमियां हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में मतलब कर दी थी। तो जैसे कि अगर आपने भीतर का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, उसके साथ में आपका पानी का टैंक भी अंदर होना चाहिए, वो गर्मी हो या सर्दी हो दोनों में आपको बेनिफिट देगा। अगर आपके गर्म पानी है और गर्मियों में जानवर पियेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे फीड ख़राब है, बोलोगे सिस्टम ख़राब है, ब्रीड ख़राब है। अच्छा, सर्दियों के अंदर भी आपका टैंक अंदर रहेगा, आपने 20-22 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है फार्म का, पिग्स आपके 20-22 डिग्री पानी पियेंगे, सही रहेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये होगा, मेरा टैंक बाहर है, भीतर 20-22 डिग्री मेंटेन रखता हूँ, बाहर से ही निपल मतलब वो जा रही हैं, चिल्ड पानी है, बॉडी गर्म है, पानी ठंडा पी रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, ग्रोथ पर कितना फ़र्क पड़ता है? आप जैसे कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भाई हम भट्टियाँ नहीं लगाएं या फिर आलस कर जाते हैं, उनको क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखो जो भट्टी सबसे पहले पशुओं को सर्दी लगेगी तो ग्रोथ कितने परसेंट तक रुकेगी? देखो जी, परसेंटेज का तो मैं बताऊंगा, मेरे को इतना तो मतलब मैंने कैलकुलेशन की नहीं है। बाकी ये है कि आपको बहुत मतलब कि ये मान लो जहाँ आपकी FCR अगर 2.5 की आ रही है तो आपकी वो FCR 4 तक हो सकती है, 5 तक भी हो सकती है, FCR 2.5 से 4-5 भी हो सकती है। अच्छा, बच्चों की लगाया जाए तो बच्चों में लूज मोशन होंगे, है ना, सर्दी लगेगी, बच्चे आपके मर भी सकते हैं, छोटे बच्चे ना वो मर सकते हैं सर्दी के अंदर, वो ग्रोथ नहीं करेंगे। आप बोल रहे हो यार YouTube पे तो दिखाते हैं 30 दिन में विनिंग कर देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और ये नहीं देख रहे कि भाई वो टेम्परेचर मैनेजमेंट कैसी है उनकी। आप टेम्परेचर दीजिए, बढ़िया फीड दीजिए, बच्चे 30 दिन में आपके विनिंग हो जाएंगे। अगर आप सर्दी रखोगे बच्चे वो पूरे दिन ऐसे ठिठिर करते रहेंगे तो वेट नहीं मिलेगा। बाकी परसेंटेज तो बता नहीं, बाकी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये समझ लीजिए अगर आपने दो बच्चे बचा लिए गर्मी करके तो दो बच्चों में आपकी कोस्टिंग आ जाएगी और पूरा आपके 200-500 जानवर हैं वो फ्री के अंदर मतलब सर्वाइव कर जाएंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे। गर्मी में कैसे आप हैंडल करते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 8-7 महीने हम गर्मी में रहते हैं, देखो कैसे हैंडल करते हैं गर्मी के अंदर? अपना जो कंस्ट्रक्शन किया है, टीन शेड किया है, इसके ऊपर आपने जो चादर हैं उनके ऊपर आप अपना वो जैसे कि कुछ भी पराली टाइप में या आप कुछ भी ऐसा डाल दीजिए, जैसे कि हाँ भूसा वगैरह, जिससे कि हीट कम आए। दूसरा आप फोगर लगा सकते हो, बाकी फोगर का अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं उसका अनुभव नहीं बता सकता, अनुभव कैसा रहेगा सुनी सुनाई बातें बता सकता हूँ कि कोई बोलता है ठीक रहेगा, कोई बोलता है नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा आप अपना देसी तरीका है, ये जो पोल्ट्री वाले यूज करते हैं ना, वो आपने बोरी लगा दी साइड से और उस पर वो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता रहेगा, तो उससे आपका मतलब कि जो भी हवा पास होगी ठंडी होकर आएगी, थोड़ी ठंडी होकर आएगी। और दूसरे अपने पंखे लगा सकते हो, अगर आपका हुमस बन रहा है अंदर, गर्मी ज़्यादा बन रही है, तो पंखे वगैरह लगा करके आप उनको थोड़ा रिलैक्स दे सकते हो। बहुत अच्छी बात है। बरसात का बताएं आप? देखो बरसात के अंदर तो यही है कि जब बरसात होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो ह्यूमिडिटी का टाइम रहता है जी, हमारे यहाँ इस फार्म पे क्या है कि चारों साइडों में फसल हो जाती है, हमारे यहाँ होता है बाजरा, चारों साइड से 8-10 फीट की हाइट का बाजरा हो जाता है, हवा आती नहीं है और उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है एयर के अंदर ना, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत है। उसके लिए बस हम अपना पंखा चलाते हैं फार्म के अंदर ना, ताकि बाहर से तो हवा नहीं रही तो पंखे से थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील हो। ठीक, अभी उस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में हम पहुंचे नहीं है, तो बात क्या बताएं आपको भाई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।